वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये आज का पाठ 22 श्लोक तक महत्वपूर्ण इसलिए है, साधक के जीवन में अनावश्यक जो उसके अतिक्रम व्यतिक्रम जो मर्यादा को लांग जाना है, इसका वर्णन भगवान ने वर्णन किया हुआ है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने इसका वर्णन भक्ति प्रकाश कथा प्रकाश में किया हुआ है। हमारा जीवन है सीखने का। निर्दोष तो केवल एक परमात्मा है, बाकी सब में दोष हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा, क्योंकि मानव जन्म जो हमें प्राप्त हुआ है, जो निषिद्ध कर्म हम करते रहे हैं और पुण्य कर्म करते रहे हैं, ये जन्म जन्मांतर से करते चले आ रहे हैं। अगर केवल पुण्य कर्म करते, शुभ कर्म करते, तो देवी देवताओं के लोकों में होते। अगर केवल बुरे कर्म होते तो नीच जूनियों में, कीट पतंग की जूनी में होते, पशु पक्षी की जूनी में होते। तो साधक को विचलित नहीं होना चाहिए, उसको ज्ञान होना चाहिए, ना कि विचलित होना चाहिए। महाराज ने कहा इस जीवन को प्राप्त करके, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का प्रवचन है, अपने आप को पापी तापी मत समझो, अपने आप को पापी मत समझो। क्यों? क्योंकि जो प्रकृति है वह अपना प्रभाव दिखाती है और उसका प्रभाव मानव के ऊपर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, इसमें वह बह जाता है। तो इसके लिए उसको सचेत होने का यहाँ पर संकेत मिलते हैं साधना में। अपने आध्यात्मिक स्वास्थ्य, गुरु महाराज का प्रवचन है, अपने आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बिगड़ने मत दो। क्या कोई कार्य ऐसा निषिद्ध हुआ जिससे अपना जाप पाठ अगर वह प्रभावित हो रहा है, तो साधक को यह समझ आ जाता है कि मुझे अपने जीवन में चलना कैसे है। वह निराश नहीं होता, हताश नहीं होता। जिस प्रकार किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जावे, वह रोता नहीं रहता कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, वह आगे को सचेत हो जाता है कि मुझे अपनी गाड़ी चलानी कैसे है। ऐसी समता में जिन भगवत भक्तों का मन स्थिर है, उन्होंने इसी देह में, देह में क्या व्याप्त है, पांच विषय, पांच विषय हृदय में आवे मनोरहत को कुछ ना लुभावे, ये पांच विषय काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार इस देह में रहते हैं। अब कोई भी निर्लेप नहीं है इसके बिना, ये अपना प्रभाव दिखावेंगे। साधक केवल इनको जान करके इन पर विजय हासिल कैसे करनी है, बस ये युक्ति है, यही जीवन है, इसी से सफल होना है। और जो अपने आप को पापी तापी समझ करके अपने आप को मनोरोग लगा लेता है, वह तो नष्ट हो जाएगा। जो इसका, जो इस देह में विषय आक्रमण करते हैं, उसका मुकाबला करता है, सामना करता है, ज्ञान हो जाता है कि ये अपना प्रभाव दिखाते हैं, इनसे बचा कैसे जावे। ऐसी समता में जिन भगवत भक्तों का मन स्थिर है, उन्हीं ने इसी देह में रहते हुए संसार को जीत लिया है। निश्चय से ब्रह्म निर्दोष शुद्ध और सम में सम है, एक रस है, इसलिए वह समदृष्टि जन ब्रह्म में ही ठहरे हुए हैं, ब्रह्म में ही रहते हैं। उन भगवत भक्तों की स्थिति भगवान में ही होती है। स्थिर बुद्धि, स्थिर बुद्धि जिसकी बुद्धि चलायमान ना हो जावे, मोह अज्ञान रहित ब्रह्म का ज्ञाता और ब्रह्म में स्थित मनुष्य प्रिय को, अनुकूल वस्तु को पाकर बहुत प्रसन्न ना हो जावे, और
अप्रिय को, प्रतिकूल वस्तु को पाकर भी दुखी ना हो जाए। इष्ट अनिष्ट के लाभ में सम रहने का यतन करे, यतन करे। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों भावों में सम रहने का प्रयत्न करे। इसका तात्पर्य, साधक में यह समता नहीं होती तो उसको बनाने में भगवान मार्ग दिखा रहे हैं, तो इसमें विचलित नहीं होना। बाहर के क्या विचलित कैसे होता है, वह कैसे जाता है, बाहर के अनुकूल प्रतिकूल विषयों में ना आसक्त होने वाला मनुष्य जो सुख अपनी आत्मा में प्राप्त करता है, वह ब्रह्म के योग में लीन आत्मा अक्षय अनंत को अनुभव कर लेता है। अंतर्मुख होकर मनुष्य को जो सुख प्रतीत होता है, सुख अंतर्मुख होना होगा, ना कि इंद्रियों के विषयों में विचर करके मानव सुखी हो सकता है, इसमें दुखी हो जावेगा। आगे भगवान ने इसको स्पष्ट कहा है। ये सारे जो प्रसंग हैं साधक के जीवन में, ये इनका आक्रमण होता है, परंतु भगवान इसको यथार्थता का ज्ञान देकर साधक को इससे ऊपर निकाल लेते हैं, तो साधक कभी भी निराश ना हो, हताश ना हो, ये मान ले कि भगवान मेरे निकट कितना है, कि पग पग पर मुझे पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। अंतर्मुख होकर मनुष्य को जो सुख प्रतीत होता है, जो विषयों से ऊपर आनंद अनुभव होता है, अब विषयों में तो दुख है और अंतर्मुख हो जाना सुख है, अब इस ज्ञान को भगवान ने दे दिया। अब साधक अंगों के सुख में, अंगों के रस में नहीं विचरता, वह अपना ध्यान, अपना जाप उसमें अधिक समय लगाकर उसमें आनंदित होता है। जो विषयों से ऊपर आनंद अनुभव होता है, ब्रह्म में लीन मनुष्य को वैसा ही अक्षय सुख हुआ करता है। आगे चलकर भगवान और स्पष्ट कर देते हैं, बाहर के विषयों से हटकर, बाहर के विषय काम क्रोध लोभ मोह और अहम भाव, इससे हटना होगा। स्वयं मानव अनुभव करता है कि ये जो बाहर के विषय हैं, ये दुख और कष्ट देने वाले हैं, ये विचलित करने वाले हैं। बाहर के विषयों से हटकर आत्मा में अंतर्मुख होने का सुख और ब्रह्म में लीन होने का सुख दोनों सम है। भेद यही है कि समता युक्त समाधि का सुख समाधि के पश्चात भूल जाता है, और ब्रह्म में रहने का सुख क्षय रहित होता है। और जो इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न हुए भोग हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहम भाव, इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न हुए भोग हैं, जो इंद्रियों के इन सुखों को भोगने को ललायत है, निश्चय पूर्वक वे दुख का कारण ही है। इससे मानव इन इंद्रियों के रस को पूरा करके कदापि सुखी नहीं हो सकता, बल्कि वह दुख को अनुभव करेगा, वह दुखी हो जावेगा। और जो इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न हुए भोग हैं, निश्चय पूर्वक वे दुख का कारण ही हैं और आदि तथा अंत वाले हैं। आदि और अंत, आरंभ भी है उनका, अंत भी है। वे होकर फिर नष्ट हो जाते हैं। इंद्रियों के सुख, ये कष्ट क्यों, इसके लिए लालायत, उसको भोगकर ये होंगे, फिर ये नष्ट हो जावेंगे। ये बार बार उत्पन्न होते हैं, बार बार नष्ट होते हैं, इसलिए दुख का कारण बनते हैं, इसमें सुख नहीं मिलता है।
हे कुंती पुत्र, ज्ञानी मनुष्य उनमें रमन नहीं करता। ज्ञानी जो इसको ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, इसको समझ जाता है, अब वह इंद्रियों के सुखों से बाहर निकल करके अपने आंतरिक, जो इनसे पहले श्लोक है, इस श्लोक से संबंधित इंद्रियों के सुख में वह अज्ञानवश इसमें विचरता हुआ इसमें सुख ढूंढता है, जबकि इनमें सुख ना प्राप्त करके दुखों की प्राप्ति करता है। जो सुख है, अब पीछे के श्लोक को पढ़े मानव, आंतरिक अवस्था, आंतरिक ध्यान, आंतरिक अपना जाप पाठ सम रहते हुए जो उसमें सुख है, वह इंद्रियों के रसों में सुख नहीं है। ब्रह्म में लीन जिस सुख को अनुभव करता है, वही सुख जो इसमें प्रयत्नशील होके अपनी साधना में लगे रहते हैं, वैसा ही आनंद प्राप्त करते हैं जो साधना संपन्न हो जाते हैं, जो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जो ब्रह्म में लीन होकर के जो सुख अनुभव करते हैं, वही इस देह में रहता हुआ मानव जब वह अपनी साधना में आत्मा में लीन होकर के जाप करता है, वैसा ही सुख प्राप्त होता है जो ब्रह्म में लीन व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, वह साधक प्राप्त कर लेता है। जो इंद्रियों में सुख ढूंढता है, उसको सुख कदापि नहीं होता, वह सुख नहीं प्राप्त करता। परंतु अब मानव अज्ञानवश इंद्रियों में सुख ढूंढता है और वहां दुख प्राप्त होते हैं। अब अपने आप को डिमोरलाइज नहीं करना, अतिक्रमण हुआ, व्यतिक्रम हुआ, मर्यादा को लांघे, अब घबराना नहीं। इसका उपाय गुरु महाराज ने कहा है, साधक का जीवन सीखने का है। गलतियां पग पग पर होती हैं, एक से नहीं सबसे होती हैं। तो जब गलतियां होती हैं, जिस प्रकार एक्सीडेंट होने से वह रोता नहीं रहता कि